से आप लोगों को कैसे पता चला? एक्चुअली मैं अभी महालक्ष्मी से आ रही हूँ. आज मैं रेसेस के लिए वहाँ पे इनवाइटेड थी और मैंने ड्राइवर सुविधा से आज के लिए एक ड्राइवर बुक किया था. तो ड्राइवर ने आते हुए फ्लाईओवर पे गाड़ी मेरी पूरी डैमेज कर दी और मेरी न्यू मर्सिडीज़ है जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने ली थी. और अब जब मैंने ड्राइवर सुविधा को फ़ोन किया कि आपके ड्राइवर से गलती हो गई है, तो वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते और वो मेरे फ़ोन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, फ़ोन उठा नहीं रहे, कोई किसी का नंबर दे रहा है. मुझे बहुत इनकन्वीनियंस हो रहा है, काफ़ी देर से हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं. ड्राइवर कोऑपरेट कर रहा है, वो अंदर बैठा है पुलिस स्टेशन में, बट ड्राइवर सुविधा से मुझे कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है, कोई बात करने के लिए रेडी नहीं है. जब हम एक एजेंसी से बुक करने का मेरा रीज़न ही ये था कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, बट अगर एजेंसी वाले ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता फिर हमें किससे कॉल करना चाहिए. और मेरी पूरी गाड़ी फुल डैमेज हो गई है, आगे से पूरा बम्पर मेरे गाड़ी का गिर गया है एंड काफ़ी अच्छा डैमेज आया है. एंड अभी मुझे नहीं पता कि कौन मेरी इसमें हेल्प करने वाला है. थैंक्स कि ओशीवारा पुलिस स्टेशन वाले मेरी हेल्प कर रहे हैं और फुल कोऑपरेशन दे रहे हैं मुझे. ड्राइवर भी अंदर है बट मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ ड्राइवर सुविधा से. एंड मुझे मैं चाहती हूँ कि कोई भी उनसे कभी भी कोई गाड़ी के लिए ड्राइवर बुक ना करे. जी ऑफकोर्स मैं लीगल एक्शन लूँगी क्योंकि मेरी गाड़ी का बहुत बड़ा डैमेज हुआ है. पूरा बम्पर गिर गया मेरी गाड़ी का और दूसरी गाड़ी जिसे इस ड्राइवर ने डैमेज किया है उस गाड़ी का भी काफ़ी डैमेज हुआ है. तो मैं डेफिनेटली एक्शन लूँगी ड्राइवर सुविधा डॉट कॉम के लिए. एंड ये बहुत बड़ा इशू हो गया है एंड मैं इसीलिए यहाँ पे हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी इस चीज़ में सब लोग सपोर्ट करें और कोई भी ड्राइवर सुविधा से कभी भी कोई ड्राइवर ना बुलाए. जी एक्चुअली मैंने पहले भी काफ़ी टाइम बुलाया है, 4-5 बार मैं ड्राइवर्स ले चुकी हूँ उनसे पर डे के लिए, पर पहले कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. बट इस बार जो उनका एटीट्यूड है, कोई फ़ोन नहीं उठाना चाह रहा है, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है और मेरे मुंह पे फ़ोन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता इसके लिए मैं क्या कहूँ आपको. नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी, किसी को भी कोई चोट नहीं लगी, बट काफ़ी ज़ोर से इम्पैक्ट हुआ था और काफ़ी पूरा बम्पर मेरी गाड़ी का गिर गया. और मेरी गाड़ी 1 महीने पुरानी भी नहीं है, मेरी न्यू मर्सिडीज़ है, तो इतना लंबा खर्चा हो गया है मेरी गाड़ी में और वो मेरा फ़ोन तक उठाने के लिए रेडी नहीं. इनको चाको, इन लोगों को 20 मिलो, इन लोगों को 20 मिलो. नहीं मत लेना, मत लेना. अरे भाई मालूम मुझे सतेंद्र, सतेंद्र सतेंद्र इन लोगों का आना नहीं चाहिए. बिल मैं हूँ ही आगे.